मॉर्निंग, आई एम बीके शर्मा फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। जैसा कि आपको मालूम है गाइस, आज हमारी स्पोकन क्लास का सेकंड डे है। कल हमने आपको क्लास फर्स्ट पढ़ाई थी, मालूम है उसमें आपको क्या पढ़ाया था हमने? अगर किसी को आदेश देना है तो हम बोलते हैं एक्शन, मना करना है तो बोलते हैं डोंट एक्शन, रिक्वेस्ट करना है तो बोलते हैं प्लीज एक्शन, और अगर सहयोग मांगना है, कोऑपरेशन मांगना है तो हम बोलते हैं लेट मी एक्शन, और अगर नॉन एक्शन बातें हैं तो हम लगाते वी लगाते हैं, जैसे कि सिंसियर बनो वी सिंसियर, ईमानदार बनो बी ऑनेस्ट। तो गाइस, आज जो हमारी क्लासेस है, आज सेकेंड डे है, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ध्यान रखिए गाइस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, नथिंग इज द इम्पॉसिबल, नथिंग इज द इम्पॉसिबल। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज द इम्पॉसिबल। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, लेकिन आपको अपने अंदर आग पैदा करनी होगी। हैव फायर इन योर टमी, अपने पेट के अंदर, अपने शरीर के अंदर आग रखिए। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से सुनाता हूं। एक बैलून बेचने वाला होता है और वो बैलून बेचता है, जब भी उसकी बिक्री डाउन जाती है तो वो एक गुब्बारा छोड़ देता है। तो एक बच्ची दौड़ते हुए आती है उसके पास और उससे कहती है, अंकल ये ब्लू वाला बैलून जब आप छोड़ोगे तो क्या ये भी उड़ेगा? हाँ बेटा उड़ेगा। अंकल ये येलो वाला भी उड़ेगा? हाँ बेटा उड़ेगा। अंकल ये रेड वाला भी उड़ेगा? हाँ बेटा उड़ेगा। तो बैलून वाला लास्ट में जवाब देता है, बेटा बैलून अपने रंग से नहीं उड़ता, उसके अंदर भरी हुई गैस से उड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से हैव फायर इन योर टमी। अपने अंदर आग पैदा कीजिए, अपने अंदर फायर रखिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ। जो कुछ आप कर सकते हैं वो मैं कर सकता हूं। आप गाड़ी चला सकते हैं? मैं गाड़ी चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव ए कार। आप एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं, एरोप्लेन उड़ा सकते हैं? आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, वशर्ते जो ट्रेनिंग आपको मिला है वो ट्रेनिंग मुझे मिल जाए, मैं कर सकता हूं। तो ध्यान रखिए, इंग्लिश स्पोकन ये ट्रेनिंग का मैटर है, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। आपको थोड़ा सा लिसन करना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और फिर कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आते हैं गाइस काम की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन जनरली जो हमारी लाइफ में शामिल होता है, व्हाट्स योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है? जिसकी दिनचर्या सही नहीं उसका कुछ भी सही नहीं। तो गाइस, अपने दिनचर्या को अपने माइंड में सेट करें और सामने वाले को एक्सप्लेन करें कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान से सुनिए, एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अगर इसको कंफर्म करूंगा, अगर एक्शन फर्स्ट है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कंफर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर वह उठता है तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान रखिए, एक वचन के साथ ऐसे एस लगाएंगे। ऐसे एस का नियम वही जो आप पढ़ते आ रहे हैं टेंथ क्लास से, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में sh, ch, x, o, z, double s, i उनमें es लगाए, से सभी के साथ s लगाए। तो मैं उठता हूं, I get up। वह उठता है, he gets up। फिर क्या करते हो? After this, what do you do? इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद मैं स्नान करता हूं, I take bath। फिर क्या करते हो? What do you do after this? इसके बाद मैं मेरा ब्रेकफास्ट लेता हूं, I take my breakfast। फिर क्या करते हो? फिर स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। फिर क्या करते हो? फिर मेरा लंच लेता हूं, आई टेक माई लंच। फिर क्या करते हो? अरे फिर मेरा होमवर्क करता हूं, आई डू माई होमवर्क। फिर क्या करते हो? शाम को मैं खेलता हूं, आई प्ले गेम्स इन द इवनिंग। फिर क्या करते हो?
फिर मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, एक्शन फर्स्ट, ध्यान रखिए एक्शन फर्स्ट, जब भी एक्शन फर्स्ट मिलेगा कंफर्म करने के लिए डू हर निकालेंगे, डू यू एक्शन या एक्शन, डू यू एक्शन या एक्शन, डू यू वॉच टीवी या आई वॉच टीवी, फिर क्या करते हो, फिर मैं सो जाता हूं, आई गो टू बेड। तो इस तरीके से व्हाट्स योर डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या क्या है, व्हाट्स योर डेली रूटीन, तो एक कागज पे एक पेंसिल उठा करके अपना पूरा सुबह से लेकर लास्ट तक का अपना डेली रूटीन लिखे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, ब्लैक बोर्ड पे लेके चलता हूं, जरा आइए टॉपिक है, डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हो क्या, या आई एक्शन, हां मैं करता हूं, डू यू एक्शन, क्या तुम करते हो, या आई एक्शन, हाँ मैं करता हूं, बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, ही डजंट एक्शन, वह नहीं करता है। एक्शन बताना चाहता हूं, स्पीक ट्रुथ, सत्य बोलना, स्पीक ट्रुथ, सत्य बोलना, प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, कहते ना प्रे टू गॉड, वर्कआउट, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करते हो सॉलिड बॉडी के लिए, वर्कआउट। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पे जहां एक्शन है वहां पे एक्शन लगाएंगे, टू द प्रैक्टिस, डू यू एक्शन क्या है, स्पीक ट्रुथ, डू यू स्पीक ट्रुथ, क्या आप सत्य बोलते हैं, डू यू स्पीक ट्रुथ, डू यू स्पीक ट्रुथ, मैंने कहा या आई स्पीक ट्रुथ, हाँ हाँ बोलते हैं, यस की जगह आप बोलिए या, क्या बोलेंगे, या, मेक इट प्रैक्टिस, मेक इट हैबिट, आदत बना लीजिए, या बी स्टाइलिश, या 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 आई स्पीक ट्रुथ, हाँ मैं सत्य बोलता हूं, डू यू स्पीक ट्रुथ, या आई स्पीक ट्रुथ, डू यू स्पीक ट्रुथ, सत्य बोलते हैं क्या, या आई स्पीक ट्रुथ, बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, ही डजंट स्पीक ट्रुथ, ही डजंट, डजंट लगाए ही के साथ, सब्जेक्ट ही है हमारा, या डजंट लगाए, और एक्शन की जगह जो स्पीक ट्रुथ चला आ रहा है वही लगाते हैं, डू यू स्पीक ट्रुथ, हाँ मैं तो बोलता हूं, या आई स्पीक ट्रुथ, बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, ही डजंट स्पीक ट्रुथ। तो गाइस इस तरीके से एक्शन लगा लगा करके आपको प्रैक्टिस करना है। अगला है प्रे टू गॉड, डू यू प्रे टू गॉड, या ही प्रे टू गॉड, बट यू नो ही डजंट प्रे टू गॉड, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं लेकिन आपको मालूम है वह नहीं करता। वर्कआउट, व्यायाम करना, डू यू वर्कआउट, या ही वर्कआउट, बट यू नो ही डजंट वर्कआउट, लेकिन वह वर्कआउट नहीं करता, वह व्यायाम नहीं करता। तो गाइस ध्यान रखिए, जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं उन टॉपिकों पे इसका इस तरह में डिफरेंट डिफरेंट एक्शन लगा करके हजारों बाक आप बना सकते हैं और बनाना चाहिए, अपने नोटबुक में अपना होमवर्क जरूर करें। तो गाइस टॉपिक सेकंड देखते हैं, वो एक्शन सेकंड, ध्यान रखिएगा, कोई भी काम जैसे ब्रिंग वेजिटेबल, सब्जी लाना, तो कोई तो लाया होगा, सब्जी उठकर आ गया, पटोटो उठ के आ गया, टमाटो उठकर आ गया, और लेडी फिंगर उठ के आ गया, नहीं सर, कोई गया होगा आपकी फैमिली में से और लेके आया होगा, तो उसको बोलेंगे ब्रिंग वेजिटेबल। अब ध्यान रखिए, तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो जरूरी है, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट, तो हु एक्शन सेकंड, ब्रिंग द सेकंड फॉर्म, ब्राउट, हु ब्राउट वेजिटेबल्स, हु ब्राउट वेजिटेबल्स, सब्जियां कौन लेके आया, जो भी लेके आया, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कोई तो लेके आया, उसको नाम लिखो, हु के नीचे माय फादर ब्रॉट वेजिटेबल्स। अगला एक्शन, हु क्लोज द विंडो, क्लोज की सेकंड फॉर्म, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, तो सेकंड फॉर्म ई के साथ डीओ लगा दीजिए, खिड़की को बंद किसने किया, हु क्लोज द विंडो, हु क्लोज द विंडो, माय फादर क्लोज द विंडो। अगला है मेक द प्रोग्राम, प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम बनाना, मेक द प्रोग्राम, प्रोग्राम किसने बनाया, मेक की तीनों फॉर्म, ध्यान रख लिया, तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होना, लर्न करना वो जरूरी है, इट्स मस्ट, कहते ना मैं इसके बिना काम नहीं चल सकता, इट्स मस्ट, कुछ भी हो जाए कम भट में, कहते ना कुछ भी हो जाए कम भट में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लर्न करना जरूरी है, ये तो जरूरी है, इट्स मस्ट, यू कैन गो विदाउट इट, इसके बिना आप चल नहीं सकते, इट्स मस्ट, मेक द प्रोग्राम, प्रोग्राम बनाना, तो सेकंड फॉर्म, मैक की तीनों फॉर्म, मैक, मैड, मैन, हु मेड द प्रोग्राम, प्रोग्राम किसने बनाया, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, हु मेड द प्रोग्राम, माय फादर मेड द प्रोग्राम, माय मदर मेड द प्रोग्राम, माय सिस्टर मेड द प्रोग्राम, माय अंकल मेड द प्रोग्राम, माय फ्रेंड मेड द प्रोग्राम, माय नेबर मेड द प्रोग्राम, जिसने भी बनाया उसको
अब ऐसा कोई भी एक्शन नहीं, मैच कौन जीता, हु वन द मैच, इंडिया वन द मैच, हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, राम किल्ड रावण। तो ध्यान रखिएगा गाइस, हु एक्शन सेकंड, हु एक्शन सेकंड को टंग पे फिक्स कीजिएगा और 1000 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा। नथिंग इज द पॉसिबल, नथिंग इज द पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आते हैं वी गो। अब यहां पे मैं कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेशंस हमारे स्पीकिंग में बहुत ही जरूरी है। हैव फायर इन योर टमी, जानते हैं, अपने पेट में, अपने शरीर में, अपनी बॉडी में आग रखिए, आग, हैव फायर इन योर टमी। व्हाट्स योर डेली रूटीन, ध्यान रखिएगा, अपना रूटीन, जिसका रूटीन सही नहीं उसका कुछ भी सही नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक कब उठना है, कब खाना है, कब स्कूल जाना है, कब नहाना है, कब स्टडी करना है, पूरा रूटीन लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि किसी को भी हम सेकंड के हजार में से बता दें कि मेरा ये रूटीन है। व्हाट्स योर डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या क्या है। नेक्स्ट, ओके आई विल, ध्यान रखिएगा, बी पॉजिटिव, इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव रहिए। और जो सेंटेंस मैं बता रहा हूं इसको जिंदगी के अंदर अपने जीवन में उतार लीजिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ वर्क के लिए कहे, कभी ना नहीं कहना और कहना ओके आई विल, ठीक है मैं कर दूंगा पापा, ठीक है मैं भैया कर दूंगा, ठीक है अंकल कर दूंगा, चेक करो नहीं करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आंसर वी यस मन, हमेशा हाँ में हाँ बोलने वाला यस मन होना है आपको। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति फैमिली में नो कहता है ना वो डिसलाइक होता है, इग्नोर्ड होता है। तो अगर आपको चाहते हैं लाइफ में कुछ पाना तो बनिए वी यस मन। तो ये सेंटेंस चाहे आपकी मदर, चाहे आपका फादर, चाहे ब्रदर, कोई भी आपसे कोई वर्क के लिए कहते हैं तो बोलेंगे ओके आई विल, ठीक है मैं कर दूंगा ओके आई विल। मम्मी ने कहा बेटा ये काम करो ओके आई विल, पापा ने कहा बेटा बिल जमा करा ओके आई विल, फ्रेंड ने कहा यार ये काम करना है थोड़ा सा मेरी हेल्प करना है ओके आई विल। बी पॉजिटिव, बी यसमन। अगला है मेक इट पॉइंट, गांठ बांध ले, गांठ बांध ले, मेक इट पॉइंट, आज के बाद बी पॉजिटिव बनूंगा और किसी को भी नो नहीं कहूंगा, सबको ओके आई विल, ओके आई विल, ओके आई विल। और जब काम हो गया आई है, हाँ बेटा बिल जमा करा दिया आई है पापा आई है, किसी ने माँ ने कहा बेटा सब्जी लिया आई है मदर, आई है मॉम, आई है। तो आपका रेस्पेक्ट फैमिली में बढ़ता है। हाँ कोई काम खत्म हो गया, कर लिया, कंप्लीट कर दिया तो बोल दे आई है, टीचर ने पूछा बेटा होमवर्क कर लिया आई हैव सर। नेक्स्ट, इट्स मस्ट, ध्यान रखिएगा मैंने कहा ना ये जरूरी है, इट्स मस्ट, ये पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, इट्स मस्ट, कुछ भी हो जाए, कम घाट में कुछ भी हो जाए, चाहे बादल फट जाए, जब बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा एटीट्यूड हमें चेंज नहीं करना है, बी पॉजिटिव कम भाग में। सो गाइस हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा गुजरे, बहुत बढ़िया दिन गुजरे, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और ध्यान रखिएगा वीडियो देखने के बाद उसको शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ओके बाय, थैंक यू।